एक आशिक ने गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होने पर वो काम कर रहे एक स्टेशनरी की दुकान को ही आग लगा दी। यह घटना 1 मई को तहसील थाना क्षेत्र के बोहरा मस्जिद की गली में हुई। आपने तो सुना होगा कि प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते और दिल टूटने के बाद भी बहुत कुछ कर लेते हैं, मगर नागपुर शहर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां आशिक ने ब्रेकअप हो जाने पर अपने प्रेमिका जहां काम करती है वो दुकान ही जला दी। मामला ये है कि रितेश माखीजा नामक व्यक्ति का बोगरा मस्जिद गली में स्टेशनरी की दुकान है। 1 मई को सुबह 4 बजे के करीब उनको फोन आया कि आपकी दुकान से धुआं निकल रहा है। रितेश दुकान पहुंचे तो दुकान जल रही थी। उन्होंने अग्निशामक विभाग को फोन कर जानकारी दी और आग पर काबू पा लिया। साथ ही रितेश ने इस बात की शिकायत तहसील पुलिस थाना में भी की है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई। इसी शिकायत पर जांच करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो उसमें पता चला कि एक व्यक्ति ने दुकान में आग लगाई है। इस मामले की और पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी की प्रेमिका जिससे उसका ब्रेकअप हुआ वो इसी दुकान में काम करती है। पुलिस ने तुरंत ही आरोपी प्रकाश चड्डे को गिरफ्तार किया और ये मामला सामने आया। आरोपी प्रकाश चटे ने दुकान को आग लगाने की कबूली भी दी है। तहसील पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में बोहरा मस्जिद गली परिसर में फिरियादी रितेश सुदामा माखीजा, उम्र 40 साल, रहना वर्धमान नगर, इनकी वहाँ पे बोहरा मस्जिद गली में होलाराम फतेहचंद नाम की एक स्टेशनरी की दुकान है। 30 तारीख को ये दुकान बंद के रात को घर गए थे अपने। 1 तारीख को सवेरे 6:15 बजे उनको उनकी दुकान पे के ऊपर रहने वाले पड़ोसी ने फ़ोन करके बताया कि आपकी दुकान में आग लगी है, धुआं निकल रहा है। तब कंप्लेनेंट रितेश माखीजा जो है वो दुकान पे आए, तब दुकान में आग लगी थी। तब उन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुलाया। आग बुझाने के बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन आके उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की। रिपोर्टिंग होने के बाद जो तहसील पुलिस स्टेशन द्वारा आजू बाजू के एरिया के सीसीटीवी कैमरे चेक करने पे रात में एक अज्ञात इसम द्वारा आके जिसने शाल ओढ़ के आया था और शटर ऊपर शटर के नीचे से कुछ तो भी डाल के आग लगाई, ऐसा फुटेज में निष्पन्न हुआ। इसके बाद आजू बाजू के परिसर के सीसीटीवी फुटेज चेक किए और दुकान मालिक जो है उनके पास और दुकान में काम करने वाले अन्य कामगारों के पास इन्वेस्टिगेशन करने पे एक बात सामने आई कि उस दुकान में एक लड़की जो है वो काम करती थी और उसका जो बॉयफ्रेंड है जिसके साथ उसका ब्रेकअप हुआ था उसने आके गुस्से में वो दुकान में आग लगाई थी, ये बात सामने आई। तब हमने उसमें निष्पन्न आरोपी प्रकाश रमेश चट्टे, रहना अंजरी माजरी हनुमान मंदिर के पास जूनी कामटी पुलिस स्टेशन के एरिया में, उसको गिरफ्त में लेके इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसने कबूल किया कि उसने खुद आग लगाई है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।